सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग गाइस। क्लास नंबर 65। जी हाँ, लगातार जो आपके 5 बजे हमेशा 5 PM को क्लास होती है, जो कि ESIC DSSSB, इसके साथ साथ RRB, RML, SGPGI, GMCH और CHO, NHM और सभी ऑल इंडिया की जितनी भी भर्तियाँ उन सभी के लिए जो क्लास होती है, उसकी क्लास नंबर अभी जो है आज अपने लाइव रहने वाली है, क्लास नंबर 65। जी, आपने अभी तक एक से लगाकर 64 क्लासेज नहीं देखी है तो आप जाकर देख लेना। यूट्यूब चैनल PJ लक्ष्य क्लासेज में जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, वहाँ पर ESIC नर्सिंग ऑफिसर 2024 क्लासेज के नाम से ESIC ऐसे नाम रखा हमने, उस नाम से जो है प्लेलिस्ट बनी है। सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेज है, 64 क्लासेज आप जाकर जरूर देख लेना, बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाली है। एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक रहेगी ये, और इसके साथ साथ सिलेक्शन श्योर करने के लिए, जी हाँ, अपनी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए आप जो है PJ क्यूशन बैंक को आज ही खरीद लीजिएगा। अभी तक 1300 से ज़्यादा लोगों ने खरीद ली, आप भी खरीद लीजिएगा PJ क्यूशन बैंक। जी हाँ, जो कि हमने खुद ने हमारी टीम ने बनाई है, एक ज़बरदस्त कॉम्बो पैक है जहाँ पर पूरे सब्जेक्ट इंक्लूड है जो कि आपके सिलेबस में है, और सब्जेक्ट वाइज मतलब जैसे OBG पहले, उसके बाद कम्युनिटी, जिस प्रकार से मतलब अलग अलग सब्जेक्ट वाइज ट्यूशन MCQs है विद आंसर है, ठीक है। तो 1000 MCQs है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में सीधे आने की संभावना है। और इसके साथ साथ इसमें खास बात यह है कि माइक्रो सब्जेक्ट जितने भी है ना वो सारे इंक्लूड है, वैसे नर्सिंग के तो है ही है, बाकी जितने भी जैसे नर्सिंग एजुकेशन है, नर्सिंग रिसर्च है, स्टेटिक्स है, मैनेजमेंट है, माइक्रोबायोलॉजी है, डाइटेक्टिक्स एंड आपके जो है न्यूट्रिशन है, और साइकोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, और आपके सोशियोलॉजी है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वहाँ पर दे रखी है हमने, तो आप ज़रूर खरीदिएगा। कैसे परचेज़ करना मैं आपको बता देता हूँ, आपको मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा और कहीं नहीं मिलेगी, 9694654557 इस पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे वीडियो खत्म होता है उसके बाद में आप मुझे मैसेज करके पा सकते हैं। 299 रुपये लगेंगे आपके, इसमें आपको मैं ESIC के 10 ओल्ड पेपर फ्री में दे दूंगा, मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर विद आंसर दे दूंगा फ्री में, ठीक है। क्वेश्चन बैंक और प्रीवियस ईयर पेपर दोनों 299 रुपये मात्र मिल जाएंगे, जो कि आपकी तैयारी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। 1000 MCQs क्वेश्चन बुक बैंक में है, और इसके साथ साथ जितने भी ओल्ड पेपर हैं उनको मिला के 500 से 600 क्वेश्चन वो है, मतलब 1600 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं ना आप, तो चांसेस रहते हैं कि काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में सीधे छपेंगे। और हमने वही लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित जो है क्वेश्चन बैंक बनाई, जहाँ पर मल्टीपल चॉइस, क्रॉस मैच, सारे क्वेश्चन जो है इंक्लूड्स है, तो आप ज़रूर जो है इस क्वेश्चन बैंक को खरीदिएगा, 9694654557। यहाँ पर जो है 299 कोई फीस, ज़्यादा फीस नहीं है, ठीक है। आप वहाँ पर हार्ड कॉपी निकलवा के लाइफ टाइम कभी भी पढ़ सकते हैं, आने वाली हर एक एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले। चलिए अपने इस क्लास को शुरू करते हैं, उससे पहले सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा फटाफट से क्लास को, फिर अपन शुरू करते हैं। एक बार बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कहाँ से आप क्लास देख रहे हैं, कौन से एग्जाम की कर रहे हैं तैयारी, फटाफट से टेलीग्राम चैनल PJ लक्ष्य क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम पर जाएँ, PJ लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन करें, जहाँ पर 14,000 के आसपास लोग जुड़े, आप भी जाकर जुड़े, वहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी मैं साझा करता रहता हूँ। चलिए आज के दिन का पहला क्वेश्चन, सभी लोग एक बार लाइक करते हुए फटाफट से आ जाइए क्लास में, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द चाइल्ड विद लेड पॉइजनिंग, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसमें से जो है कौन सा ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, किसका चाइल्ड है, एक बच्चा है जिससे लेड पॉइजनिंग हुई है, ठीक है, लेड पॉइजनिंग का बच्चा, उसको क्या देंगे, एक्टिवेटेड चारकोल, एंटीएमेटिक्स, या फिर जो है चिलेटिंग एजेंट, या जिसको किलेटिंग एजेंट भी कहते हैं, गैस्ट्रिक लावाज, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एंटीएमेटिक हमेशा वॉमिटिंग के टाइम दी जाती है, कब, वॉमिटिंग के टाइम, जिसको भी वॉमिटिंग हो रही है उसको एंटीएमेटिक देते हैं, गैस्ट्रिक लावाज उस टाइम करते हैं जब कोई भी पॉइजन खा लिया हो कोई आदमी ने, तो उसका जो गैस्ट्रिक कंटेंट होता है उसको बाहर निकालने के लिए जो है गैस्ट्रिक लेवेज दिया जाता है, और फिर वापस उसमें जो है फ्लूड देने के लिए गैस्ट्रिक गैवेज, दो प्रकार की प्रक्रिया होती है, दोनों आपको याद में रखनी, तो ये दो ऑप्शन तो है नहीं, दूसरा और चौथा ऑप्शन मैंने काट दिया, पहला और तीसरे में से कौन सा होगा, फटाफट से आंसर दीजिएगा फटाफट, एक्टिवेटेड चारकोल होगा या चिलेटिंग एजेंट, वेरी गुड, तो सभी के एकदम सही आंसर आ रहे हैं, सी इज करेक्ट आंसर, चिलेटिंग एजेंट इज करेक्ट आंसर, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन चाइल्ड विद लेड पॉइजनिंग इज चिलेटिंग एजेंट, करेक्ट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस यूरिन आउटपुट इज नॉन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, एक्सेसिव यूरिन आउटपुट होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है, दो तीन टर्म्स आपको याद रखने हैं, चलिए मैं बता देता हूँ, ये एग्जाम में पुराने एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया, अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है, चारों टर्म आपको मैं बता दूँ, पॉली यूरिया का मतलब होता है एक्सेसिव यूरिनेशन, ठीक है, एक्सेस यूरिन आउटपुट होता है उसको कहते हैं अपन पॉली यूरिया, प्रोटीन यूरिया, यूरिन में जो है प्रोटीन आने लगती है, ठीक है, प्रोटीन आने लगती है, पाई यूरिया का मतलब होता है पस इन यूरिन, ठीक है, पस इन यूरिन यानी पस आ जाती है, और हेमेचूरिया का मतलब होता है ब्लड इन यूरिन, ठीक है, ब्लड इन यूरिन,
चारों चीज़ें समझ में आ गई और पूछी जाने लायक है चारों के चार ही चीज़ें, आपको याद में रखनी है। पोली यूरिया यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक होता है एक्सेसिव और एक होता है लेस अमाउंट यूरिन आउटपुट होता है, उसको कहते हैं ओलिगो यूरिया। क्या कहते हैं? ओलिगो यूरिया। ये भी आपको याद में रखना है, ठीक है? आई होप कि समझ में आ गया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी लोग एकदम सही आंसर आ रहे हैं। सभी लोग एक बार अपने आप को कॉन्फिडेंट करते हो, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा फटाफट से। अगला क्वेश्चन एक जबरदस्त क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम में वापस रिपीट होता है। व्हाट टाइप ऑफ द वैक्सीन इज बीसीजी वैक्सीन? जी हाँ, बीसीजी वैक्सीन है वो किस प्रकार की वैक्सीन है? बीसीजी का फुल फॉर्म बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, आपको याद रखना। कंबाइंड वैक्सीन है क्या ये? लाइव अटेन्यूटेड वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन है या ट्रिपल वैक्सीन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंबाइंड वैक्सीन में आपके पेंटावेलेंट आती है, आपको याद में रखना हमेशा, पेंटावेलेंट आती है, ठीक है? कौन सी? पेंटावेलेंट। और बीसीजी, ओपीवी, ये सारी जो है लाइव अटेन्यूटेड वैक्सीन रहती है। कैसी रहती है? बीसीजी है, ओपीवी है, लाइव अटेन्यूटेड वैक्सीन। बी इज करेक्ट आंसर, सभी के एकदम सही याद। किल्ड वैक्सीन में आपकी डीपीटी वगैरह आती है, ठीक है? आई होप कि समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। कैसी चल रही है तैयारी बताइएगा तो मेरे को। जितने भी साथी है, 1 से 64 क्लासेस नहीं देखी तो जाकर देखना यूट्यूब चैनल पर। आज 65वीं क्लास है अपनी। ऐसे ही अनवरत रूप से आपके एग्जाम तक ये क्लासेस चलेगी और सिलेक्शन आपका ही होगा, नहीं तो किसी का नहीं होगा, ठीक है? इस हिसाब से आप पढ़ते रहो। सेल्फ स्टडी के साथ साथ क्लासेस में हमेशा 5 बजे जरूर जुड़े। रिटन कंसेंट टू ऑब्टेन प्रायर टू गिविंग ईसीटी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रिटन कंसेंट लेते हैं जब भी अपन कोई सर्जरी करते हैं या ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थ्योरी देते हैं ना, सॉरी थेरेपी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जब भी देते हैं, ईसीटी देते हैं, उससे पहले अपन रिटन कंसेंट ले लेते हैं पेशेंट से या पेशेंट के जितने रिलेटिव है उनसे, ठीक है? इसका पर्पज़ क्या है ये पूछा है, ठीक है? इट प्रोटेक्ट द हॉस्पिटल स्टाफ फ्रॉम लीगल इम्प्लीकेशन। जी हाँ, ये जो है हॉस्पिटल स्टाफ को लीगल इम्प्लीकेशन से बचाता है। ऐसा नहीं हो कि फिर हमारे साथ ज़बरदस्ती किए ये सारी चीज़ें बाद में ना हो, इसलिए देर इज़ नो नीड टू डू सो। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि रिटर्न कंसेंट लें। इट मेक प्रोसीजर ईजी, ये प्रोसीजर को ईजी कर देता है। इट मेक प्रोसीजर इफेक्टिव, ये प्रोसीजर को इफेक्टिव कर देता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सभी लोग एक बार आंसर दीजिएगा फटाफट से। जिसने भी पीजे क्वेश्चन बैंक नहीं लिए फिर पीछे मत रह जाना, ठीक है? आज से ही ले लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके। पीजे क्वेश्चन बैंक के साथ ESIC के 10 ओल्ड पेपर फ्री में दे रहा हूँ, 299 रुपये मात्र में, ठीक है? 9694654557 इस पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके हाथों हाथ पा सकते हैं। मेरी टीम आपको हाथों हाथ पीजे क्वेश्चन बैंक विद ओल्ड पेपर आपको अवेलेबल करवाएगी 299 रुपये मात्र में, ठीक है? 9694654557। तो यहाँ पर जो है सारे ऑप्शन के और आप ध्यान दोगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है? देर इज नो नीड टू डू सो, मतलब ऐसी कोई नीड नहीं, बिल्कुल ईसीटी करने से पहले रिटर्न कंसेंट लेना जरूरी है। तो ये तो उड़ गया। इट मेक प्रोसीजर इजी, अब प्रोसीजर को कैसे ईजी कर सकता है? हाँ, ये रिटर्न कंसेंट होता क्या है कि पेशेंट को कहते हैं भाई हम तुम्हारे ईसीटी करने जा रहे हैं, क्या आप राजी हो? वो साइन करता है हाँ हम राजी है, या उसके रिलेटिव साइन करते हैं। तो इससे प्रोसीजर कैसे ईजी हो सकता है और प्रोसीजर ना है तो इससे इफेक्टिव हो सकता है? ये जो है लीगल इम्प्लीकेशन से बचाता है स्टाफ को, ठीक है? ऐसा नहीं हो कि फिर स्टाफ पे आरोप लग जाए कि आपने ज़बरदस्ती की है, ठीक है? इसलिए कंसेंट लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ए इज़ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देर इज़ ए स्वेलिंग इन डिफ्यूज एरिया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्वेलिंग है कहाँ पर? डिफ्यूज एरिया में। इट इज़ कैरेक्टराइज बाई विद एडिमा दैट अपीयर एट बर्थ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। स्वेलिंग है, डिफ्यूज एरिया है, वहाँ पर कुछ डिफ्यूजन हुआ है, कैरेक्टराइज बाई एडिमा, एडिमा भी है वहाँ पर, अपीयर एट द बर्थ यानी कि जन्म के टाइम में, डिसअपीयर इन सेवरल डे, कई दिनों में जो है ये डिसअपीयर हो जाता है। क्रॉस सूचर लाइन, सूचर लाइन मतलब ये खोपड़ी में है सारी चीज़ें, ठीक है? तो ये किसका डिस्क्रिप्शन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कल या परसों की क्लास में मैंने पढ़ाया था कि एक होता है हाइड्रोसिफेलस जहाँ पर CSF जो है वो आपके भर जाता है, ठीक है? और एक होता है सिफेलोहिमेटोमा जहाँ पर ब्लीडिंग जो है हो जाती है आपके ऊपर की साइड में जहाँ पर खोपड़ी होती है, ठीक है? वहाँ पर, लेकिन ये सूचर लाइन को जो है क्रॉस नहीं कर सकता। सूचर लाइन को क्रॉस करने वाली एकमात्र स्वेलिंग को कैपट सुसीडेनम या कैपट सक्सीडेनम के नाम से जानते हैं। क्या दोस्तों, सही आंसर क्या आ जाएगा? ए, कैपट सक्सीडेनम। सीधा याद रखना, जो सूचर लाइन को पार करे उसको कैपट सक्सीडेनम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ट्रिसमस रेसस सार्डोनिकस ओपिस्टोटोनस पोजिशन इज फीचर ऑफ, बहुत बढ़िया। ओपिस्टोटोनस मतलब ऐसे बच्चा जो है वो धनुषाकार हो जाता है, ठीक है? इस प्रकार से धनुषाकार हो जाता है, ठीक है? ताने आने लगती है। ये जो है ट्रिसमस रेसस सार्डोनिकस मतलब बच्चे का मुंह जो है रेसस बंदर की तरह हो जाता है, ओपिस्टोटोनस, ये सारी चीज़ें किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है? टेटनस के, प्लेग के, क्यू फीवर के, डिप्थीरिया के। तो यहाँ पर तो ईजी है मेरे हिसाब से, जब भी जो है ताने आती है तो अपन सीधा टेटनस की ओर जाते हैं। क्या है दोस्तों करेक्ट आंसर? टेटनस। तीनों कार्डिनल साइन है, याद रखना टेटनस के, ट्रिसमस रेसस सार्डिनोकस सार्डोनिकस या ओपिस्टोटोनस पोजीशन, ठीक है? तो करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों? ए,
चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार सभी लोग जो है मेरे को बताइएगा कि क्लास कैसी लग रही है आपको, आपने अभी तक 65 में से कितनी क्लासेस देख रही, क्योंकि पीजे क्वेश्चन बैंक आपने खरीदी नहीं खरीदी, नहीं खरीदी है तो अभी बता दूँ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए। 9694654557 पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप पा सकते हैं। मैं आपको पीजे क्वेश्चन बैंक के साथ में ESIC के 10 साल के जो है ओल्ड पेपर भी दे दूंगा, तो आप अभी जो है खरीद लीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए डिजाइन की हुई एक क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नियोमाइसिन इज एडमिनिस्टर्ड टू ए पेशेंट। नियोमाइसिन एक ड्रग है जो कि एडमिनिस्टर की जाती है एक पेशेंट को, हेपेटिक सिरोसिस का पेशेंट है, टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हेपेटिक सिरोसिस वाले पेशेंट में अपन नियोमाइसिन देते हैं वो क्यों देते हैं, ठीक है, किसके फॉर्मेशन को रोकने के लिए देते हैं, बाइल के फॉर्मेशन के लिए, यूरिया के फॉर्मेशन को रोकने के लिए, अमोनिया को, या हीमोग्लोबिन। तो ये तो तीन तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बाइल नहीं रुकना चाहिए, यूरिया भी नहीं रुकेगा, हीमोग्लोबिन भी नहीं, अमोनिया का जो निर्माण है वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो अपन कौन सी दवाई देते हैं, ड्रग्स देते हैं, लीवर सिरोसिस के पेशेंट में नियोमाइसिन नामक एक ड्रग्स देते हैं, सही है, करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों सी। आई होप कि समझ में आ रही है पूरी क्लासेस, तो एक बार फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट क्लिनिकल टेस्ट टू कंफर्म आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में अपन ने बहुत सारी बातें की है पहले, फिर भी थोड़ी बहुत रिपीट कर लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है। इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं माइक्रोसाइटिक, क्या कहते हैं, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, ठीक है, हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोम मतलब RBC का जो है कलर थोड़ा सा कम रेड हो जाता है, और माइक्रो मतलब ये साइज में भी छोटी हो जाती है, इसको माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। लेकिन अपने को जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का पता लगाना है, सबसे मोस्ट रिलायबल मेथड कौन सा है, तो बोन मैरो एग्जामिनेशन, रेड ब्लड सेल काउंट, रेड RBC की काउंट देखेंगे, या बोन मैरो का एग्जामिनेशन करेंगे, या सीरम फेरिटिन लेवल। कल मैंने बताया था कि जो आपके आयरन की एब्जॉर्बल या फिर जो स्टोरेज फॉर्म होती है ना, वो होती है फेरिटिन, तो अपन फेरिटिन देखेंगे ना, बाकी सारी चीज़ें क्यों देखेंगे, ठीक है। तो सीरम फेरिटिन के लेवल का पता करेंगे, कम आएगा तो कह देंगे कि हाँ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों, सी इज करेक्ट आंसर, आई होप समझ में आ गया सभी को। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लगे, ठीक है। द स्ट्रक्चर दैट एस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इजी भी है। मैं चाहूँगा जितने भी साथी जुड़े हैं मेरे साथ, सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाएंगे, ठीक है। लाइव चैट में फटाफट से आंसर दीजिएगा, फटाफट से सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्लासेज उन्हीं को देखेगी जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है लगातार। मैंने तो आप सब लोगों के लिए आज 65वीं क्लास है, आगे अनवरत रूप से एग्जाम्स तक ये क्लासेज चलेगी, और हम बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप सब लोगों के लिए। पीजे क्वेश्चन बैंक हम लाए हैं, जो कि आपके एग्जाम की तैयारी में 4 चांद लगाए, रैपिड रिवीजन करवाए। पीजे क्वेश्चन आप बैंक अभी भी खरीद सकते हैं, 9694654557 इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर पीजे क्वेश्चन बैंक मुझे चाहिए, मैं आपको ESIC के ओल्ड पेपर भी आपके साथ में दे दूंगा उसके, तो आप आज ही जो है जाकर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, ठीक है। जिन्होंने भी नहीं लिए फिर पछताओगे, मैं कह रहा हूँ, फिर कहोगे कि सर यार एग्जाम में क्वेश्चन तो आए थे हम नहीं ले पाए, कुछ कारण रहे होंगे, जो भी कारण रहे होंगे वो हमसे बात करें, हम आपके सॉल्यूशन का प्रयास करेंगे, लेकिन व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, दो स्ट्रक्चर कौन सी है जो कि कनेक्शन करती है फीटस और मदर के बीच में, कब इंट्रा यूटेराइन लाइफ में। डेसिडुआ ये होती है आपकी एंडोमेट्रियम होती है ना, एंडोमेट्रियम, प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम, प्रेग्नेंट वुमेन की एंडोमेट्रियम होती है, उसको डेसिडुआ कहते हैं। यूट्रस नहीं, वेजाइना भी नहीं, प्लेसेंटा जो है बिल्कुल प्लेसेंटा से ही सर्कुलेशन वगैरह जाता है, तो माँ और बच्चे के बीच में योजक कड़ी का काम कौन करता, प्लेसेंटा करता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, कैपेसिटेशन अकर इन द, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कैपेसिटेशन जो है वो किस में होता है, एम्पुलरी रीजन, सेमिनल वेसिकल, एपिडिडाइमिस, या वास डिफरेंस। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मतलब 5-स्टार क्वेश्चन, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में जरूर छाप लेना। कैपेसिटेशन जो है वो किस में होता है, ठीक है, एम्पुलरी रीजन में होता है, क्या सेमिनल वेसिकल में होता है, एपिडिडाइमिस में होता है, या फिर वास डिफरेंस में होता है। फटाफट से आंसर दीजिएगा, जितने भी साथी जुड़े जैसा आंसर आ रहा है वैसा दीजिए, मैं आपको सही आंसर तो बता ही दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पीजे लक्ष्य क्लासेस हमेशा आपके साथ खड़ा है, एक पैर पर खड़ा है, क्योंकि आप सब लोगों का सिलेक्शन ही हमें चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों ए, क्या चला जाएगा ए, एम्पुलरी रीजन में जो है कैपेसिटेशन होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा ए, स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में जरूर छाप लेना। अगला क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये भी 3-स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। Ubuntu इज विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, Ubuntu जो है वो किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स, विंडोज बेस, मैक बेस, ओपन एक्सेस। तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, सीधा याद रखना, ओपन सोर्स बेस इसको होता है, ठीक है। ए इज करेक्ट आंसर, ओपन सोर्स है Ubuntu। अगला क्वेश्चन ये जबरदस्त क्वेश्चन है, फ्रोसेमाइड डिजाइन, फ्रोसेमाइड एक प्रकार क्या है, ठीक है, थायजाइड डायूरिटिक है, ऑस्मोटिक डायूरिटिक है, लूप डायूरिटिक है, या फिर जो है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरिटिक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। ऑस्मोटिक डायूरिटिक का जो
एक उदाहरण है वो आपको याद में रखना है, मैनिटोल होता है ठीक है, जो कि हाइड्रोसिफिलिस के केस में देते हैं ठीक है। मैनिटोल इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाएगा फ्रोसेमाइडिस, जिसको लेसिक्स के नाम से जानते हैं, वो एक प्रकार की लूप डायुरेटिक है ठीक है। तो सी आंसर इज करेक्ट, लूप डायुरेटिक फ्रोसेमाइडिस। लूप डायुरेटिक कई बार एग्जाम में पूछा है, तो सीधा आंसर है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक स्पेशल मीडियम इनहिबिट्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ माइक्रोब्स। एक ऐसा मीडियम जो कि इनहिबिट करता है किसको, सेल्फ डिस्ट्रक्शन और मल्टीप्लीकेशन ऑफ द माइक्रोब्स को, बट मेंटेन स्टेटस क्वा, यानी कि वो जो है जितने वहाँ पर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म देते हैं उनको जो है बनाए रखता है कंडीशन, इसको क्या कहते हैं ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, एनरिचमेंट मीडियम, डिफरेंशियल मीडियम, सेलेक्टिव मीडियम या ट्रांसपोर्ट मीडियम। तो जब भी बात करें वहाँ पर संख्या बढ़नी या घटनी नहीं चाहिए, लेकिन स्टेटस क्वा जो है वो बना रहना चाहिए, स्थिरता बनी रहनी चाहिए, इसको अपन ट्रांसपोर्ट मीडियम के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, ट्रांसपोर्ट मीडियम। करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों, डी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फटाफट से बताइएगा मेरे को क्लास कहाँ से देख रहे हैं, कैसी लग रही है क्लास, और कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन सा एग्जाम की आप कर रहे हैं। तैयारी पीजी क्वेश्चन बैंक को अभी तक नहीं करी तो खरीद लीजिएगा। पीजी क्वेश्चन बैंक है क्या एक्चुअली, बता दूं मैं आपको कि ये 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs सब्जेक्ट वाइज जो एग्जाम में आपके आने लायक है वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड है। दूसरी बात ये है कि ये पूरी तरह से SGPGI आपके जो है ESIC DSSSB और RRB इनके सिलेबस पर आधारित ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको ESIC के 10 ओल्ड पेपर फ्री में दे दूंगा, मतलब जब आप खरीदते हैं तो ही मिलेंगे ठीक है, ऐसे ही फ्री में नहीं मिलेंगे। तो 299 रुपये में क्वेश्चन बैंक के साथ में ओल्ड पेपर फ्री मिलेंगे। आपको करना क्या है, कुछ नहीं, जैसे ही क्लास खत्म होती है व्हाट्सएप पर जाना है 9694654557, इस पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। जो भी सीधा कॉल करेगा उसको सीधा ब्लॉक कर दिया जाएगा ठीक है। तो कॉल तो करना ही मत, सिर्फ आपको सेटिस्फाइड किया जाएगा, प्रत्येक आपके जो डाउट है वो क्लियर किए जाएंगे, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज 9694654557 ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन इज द हार्मोन रिलीज फ्रॉम द, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ऑक्सीटोसिन जो है वो हार्मोन किससे रिलीज हुआ, ये आपके लिए आज का होमवर्क है, क्योंकि ईजी होमवर्क देता हूँ मैं हमेशा, ताकि आपका जो है कॉन्फिडेंस बना रहे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं अभी बता दूंगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है किससे रिलीज होता है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एडिनो हाइपोफिसिस या जो है पार्स इंटरमीडिया या जो है इनफंडिबुलम। तो इसका आंसर तो आपको कमेंट बॉक्स में देना है ABCD में, ये आपके लिए है होमवर्क है। अगला क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन न्यूट्रिशन से रिलेटेड, व्हेन वन और मोर न्यूट्रिएंट आर एडेड टू फूड इज नॉन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। जब एक या उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट जो है किसी भी फूड में मिलाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको मैं सीधा आंसर आपके कमेंट बॉक्स में बता देता हूँ, सॉरी आपको बता देता हूँ, उसको कहते हैं फूड फोर्टिफिकेशन। क्या कहते हैं, फूड फोर्टिफिकेशन। जब एक या ज़्यादा जो है न्यूट्रिएंट मिलाए जाते हैं फूड में तो उसको फूड फोर्टिफिकेशन के नाम से जानते हैं ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को अपन इधर ही ख़त्म करेंगे। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में बताएं, अच्छी लगी तो एक जबरदस्त सा कमेंट हमारी टीम के लिए छोड़ देना, और इसके साथ साथ आपने अभी तक 165 क्लासेज नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना, और आप कौन से एग्ज़ाम की कर रहे हैं तैयारी और कहाँ से क्लासेज देख रहे हैं ये भी हमें बताना। आपने ESIC DSSSB ये विशेष एग्ज़ाम बता रहा हूँ, बाकी सारे एग्ज़ाम्स के लिए ठीक है, PGI जो कि SGPGI है वो, PGI RRB इनके लिए तैयारी आप कर रहे हैं ना, तो आप PGI क्वेश्चन बैंक को आज ही खरीद लीजिए ठीक है। फिर बाद में जो है एक बार चूकने के बाद मौके वापस नहीं आते ठीक है। PGI क्वेश्चन बैंक जो कि रात रात भर की हमारी मेहनत है, लगातार हमने मेहनत करके एक ज़बरदस्त क्वेश्चन बैंक बनाई जो कि एग्जाम में सीधे छपने वाले मॉडर्न लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, जो कि 299 रुपये मात्र में आपको मिल जाएगी। साथ में मैं ESIC के 10 ओल्ड पेपर फ्री में दे दूंगा। आपको करना कुछ नहीं है, 96 याद रखना 9694654557, इस पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, हाथों हाथ आपको मिलेगी, मेरी टीम आपको तो आपको प्रोवाइड करवा देगी। तो आप जो है अभी खरीद लीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाली है आप सब लोगों के लिए। जो भी साथी तैयारी करना चाहता है तो अपनी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए आज ही जो है ऑर्डर कर लें। ऑर्डर करने से मतलब व्हाट्सएप पर PDF भी मिल पाएगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप तक जो है कुरियर करें हम फिर जो है वापस आप प्राप्त करें फिर एग्ज़ाम नज़दीक। इससे अच्छा है कि आप जो है उसके लिए अपना प्रिंट आउट निकाल देंगे ना, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगी, प्रिंट आउट निकाल के अपने लाइफ टाइम जो है बाइंडिंग वगैरह करवा के और रख लेंगे, तो आपके लिए जो है कभी भी पढ़ने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना 9694654557, अभी तक नहीं लिए तो ले लेना, जिसने भी लिए उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक। आप लगातार जो है 1368 लोगों ने ले लिए,
1367, ठीक है 1368 ये, तो आप भी आज ही लेके अपना सिलेक्शन सिक्योर करें। सिलेक्शन मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे क्वेश्चन उसमें ही आएंगे, लेकिन क्वेश्चन जरूर आएंगे ये हमारी गारंटी है, और आपका कॉन्फिडेंस अवश्य बूस्ट होगा ये भी हमारी गारंटी है। तो गाइस जरूर खरीदिएगा, कैसी लगी क्लास वो भी कमेंट बॉक्स में दें, वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, फेसबुक पेज पीजे लक्ष्य क्लासेस फॉलो, टेलीग्राम चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस को अवश्य ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं कल 5 बजे क्लास के साथ, उससे पहले विभिन्न प्रकार की भर्तियों की न्यूज़ भी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सिलेक्शन लाते रहें। थैंक यू।